आइया ऑन द फीलिंग आई यू नो आलू का ही पराठा बनाओ। खाए आलू का पराठा, गोभी का बना दूं? मैं मार दूंगा चूचा, मूली बनाना। मूली का पाद नहीं मारनी मुझे। होता है मतलब आपके घर में एक भी आदमी कम हो जाना तो कमी करती है। कल रात से घर ऐसा सुनसान सुनसान सा लग रहा था, मतलब हाय गाइस वेलकम बैक। सो मैंने ना बालों में कलरिंग कर ली थी, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी टाइम पहले किया था मैंने कलरिंग, तो मैंने सोचा आज कलरिंग कर लेती हूँ। बज रहे हैं दोपहर के एक, काम ख़त्म करते करते, क्योंकि आज हमारी हाउस हेल्पर भी नहीं आई तो झाड़ू पोछा भी सब मुझे ही करना पड़ा, नाश्ता वाली सब इतना लेट हुआ। और यहाँ पे धुल चुके हैं लेकिन अब मैं इसको बाद में डालूंगी, पहले मैं नहा लेती हूँ, बहुत लेट हो गया। लगाए भी ऑलमोस्ट 45 मिनट से ऊपर हो चुका है तो ज़्यादा देर रखना ठीक नहीं है, नहीं तो इचिंग शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर कपड़े डाल के खाने की तैयारी करूँगी। और उत्सव को दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई के लिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड में मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें लिख के दिया तो उसमें से कॉपी करेगा। और ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट। अरे गाइस मेरे सर में जा रहा है सब कुछ, मैं बाहर नहीं निकलने दे रहा। हाँ सही बात है, चलो पढ़ो पढ़ो। क्या मस्त फेस्टिवल मसाज चल रही है। फेस्टिवल यानी फेशियल मसाज। फेशियल मसाज। मैं उड़ रहा हूँ। अरे मत कर उसे परेशान, नहीं कर, चल खड़ा हो, चल लगता है। चलो 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 खड़े हो जाओ। अरे कहाँ खींच रहे हो? चलो 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 चलो। क्या बनने वाला है? कुछ नहीं बनने वाला, चलो। तो यहाँ मैंने बनाए आज मेथी के परांठे, चीनू भी मेथी के परांठे खा रहा है, उत्सव भी खाएगा। मैंने उसको आटे में ही मिक्स करके बनाया और मैंने बनाया अपने लिए एग भुर्जी, मतलब सब्जियां वगैरह डाल के। ये मेरा नाश्ता है, मैं परांठा नहीं खा रही हूँ। हाँ क्या नहीं मिलना चाहिए बता तो। अच्छा ये मुंह में डाल के नहीं बैठना है, ठीक है, इसको चबाना भी होता है। सुनो इसको च्यू भी करो, च्यू करो, इसको च्यू करो। क्या बोल रहा है? बन चुका है दोपहर का लंच, मैंने बनाया यहाँ पे मिक्स दाल और ये मैंने राइस बनाया और मेरी फेवरेट मूली की भुर्जी, मतलब मूली नहीं डाला सिर्फ उनके पत्तों की भुर्जी बनाई। तो बस अब लंच करेंगे बैठ के। तो बस अभी हम लोग कर रहे हैं लंच दोपहर का, जैसे मैंने दिखाया आपको मैंने बनाया है दाल राइस और मूली के पत्तों की सब्जी, मुझे बहुत पसंद है विंटर से बहुत ज़्यादा। ऐसे रोटी वोटी के साथ तो नहीं बट राइस के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यशो मुझे ऐसा पसंद नहीं, हमें तो पसंद है। ओ भाई खाना देखने के लिए नहीं दिया है, खाने के लिए दिया है, खाओ उसे। उशी उशी मैं टीवी बंद कर रही हूँ, फिर खाओ जल्दी खाओ। इनका यही रहता है मतलब टीवी के सामने, मतलब इनको है ही नहीं। गाइस आपको बताओ आज ये टीवी कैसे चला है, मतलब टीवी चल रहा है तो खाना ही नहीं खाना है। खा जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, मैं बंद कर दूंगी टीवी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं ले रही हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय, जैसा कि आपको हमेशा पता है मेरी शुरुआत ही चाय के साथ होती है। और आज चाय मैं अकेले ले रही हूँ बिकॉज यशवंत है नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है, सो कल ही चले गए थे वो। तो कल रात से घर ऐसा सुनसान सुनसान सा लग रहा था, मतलब एक आदमी भी, जैसे हम लोग 4 लोग हैं ना तो एक आदमी भी अगर कम होता है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है, कोई बात करने के लिए नहीं होता, कोई कुछ नहीं। सो बच्चे तो अपना पढ़ाई वढ़ाई और खेल कूद में लग जाते हैं तो मैं अकेले रह जाती हूँ। यशवंत आते हैं तो थोड़ी बहुत बात बात हो जाती है, बट कल से तो ऐसा हो रखा है ना वीराना सा जैसे घर में ना, तो हमेशा ही होता है, मतलब आपके घर में एक भी आदमी कम हो जाना तो उसकी कमी खलती है। तो अभी बज रहे सुबह के 8, मैं ले रही हूँ चाय, बच्चे अभी सो रहे हैं, चीनू गए वॉशरूम और बस देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होता है। और ये कुत्ता बाप रे सुबह सुबह शुरू हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और देख जाके दही लिया, मैं वो बना देती हूँ, तो आप पे चीला बना देती हूँ। अरे क्या हर दूसरे दिन आलू का पराठा, आलू का आलू हो जाएगा खा खा के, कुछ नहीं होता। आलू का पराठा परसों ही तो खाए, आलू का पराठा, गोभी का बना दूं? मैं मार दूंगा चूचा, मूली बनाना। मूली का पाद नहीं मारनी मुझे। मूली के पराठे से ये आते हैं।
पा रहा थी। मेथी का परांठा कद्दू ही नहीं खाया। पूरी सर्दी सिर्फ आलू का ही परांठा खाएगा क्या? ओनली आलू का परांठा? आलू का परांठा भी दो यार। अब पहले आलू पे विसल लगाओ फटाफट। ए चुपचाप बना दो ना, आपको क्या आ रहा है? मैं सच्चा सूजी का चीला बना दूं तेल ले। यार तुम लोगों के साथ बड़ा मुश्किल है यार, तुम लोगों के चक्कर में तो हम लोग अपना पसंद का कुछ खा ही नहीं सकते। बस खाओ, तो सिर्फ आलू का ही पराठा खाएं, फिर मेथी आलू मूली वगैरह ये सब कौन खाएगा? मूली क्यों खाओ, पात नहीं मारती, गोभी खानी नहीं। अरे गोभी को मैंने ऐसे वो करना है, ग्राइंड करना है बोल पतला पतला। सिर्फ आलू 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 आलू। मैं बोलता हूँ तो करता हूँ, जो करता हूँ सच में करता हूँ और मरता हूँ। इन लोगों के साथ ना ये बड़ी प्रॉब्लम है को, मतलब कोई दूसरा स्टफिंग पराठा नहीं खाना, सिर्फ या तो उसका आलू का ही पराठा खाना है पूरा। मतलब पनीर का पराठे बनाओ तो उसमें भी इनके नाटक हो जाते हैं। गोभी का इनको नहीं खाना, मूली मेथी इतने सारे चीज होते हैं, इतने स्टफिंग पराठे बनते हैं सर्दियों में, पर तुम्हारे चक्कर में सिर्फ हम लोग आलू आलू का ही पराठा खाते हैं। मैं मूली की तिजोरी बना दूंगी फिर दोपहर में, मैं मूली उठा के फेंक दूंगा। आई आई आम द फीलिंग यू नो बस जिस म्यूजिक कार्ड ऑफ आई आई आम द फीलिंग यू नो आलू का ही पराठा बना वरना उत्सव मैं तो खाऊंगी नहीं, मैं तो कॉम्प्लेक्स खाऊंगी। रोज रोज आलू का पराठा भी अच्छा नहीं लगता ना बेटा, मेरे को लगता है। मैं फिर दिन में मूली की थिजोनी बना दूंगी, मैं मूली फेंक दूंगा उठा के। आई मूली भी पसंद नहीं है यार इन लोगों को। कुछ तो डिफरेंट बनाने थे आज, क्या तुम तो दही ले जा, मैं वो बना ले यार। मैं नहीं नहीं मैं आलू बोल रहा हूं, इतनी देर तक बाहर खुद क्यों नहीं जाते? फाइनली दोनों बुद्धू चले गए। चिनू नाटक मत कर, छोड़ा उसको। को भेज दिया मैंने आज कि जा तू उत्सव को छोड़ गया। मतलब कई बार में होता है मैं उसको भेज देती हूँ कि जा भैया तू छोड़ गया, कभी घर पे मैं नहीं हूँ तो उसे आदत होनी चाहिए कि कैसे लेके जाना है कैसे छोड़ के आना है बच्चों को, थोड़ा बहुत ये भी सिखाना पड़ता है। बट चलो मुझे देखो मम्मी, मैंने आपके ऊपर ना हंसते हंसते खुश हो गया था दाना की तरह, क्योंकि मम्मी मेरे पास ना कबूतर के लिए और दाना नहीं है। उफ, कितनी बातें बोलता है, कितनी बातें करता है। पैर डालने पर हाँ चल करो, हाँ अभी करना होता है ना तुम्हें ये सब। अभी बैठ कर आ जाऊंगा ना ऊंट पर। अरे वाह, आज तो जाऊंगा इस गधे पर बैठकर। शादी में जाओगे तो वहाँ पे आराम से रहना, ठीक है? हाँ तो इधर उधर भागना नहीं है क्योंकि फिर खो जाओगे। आप मम्मा के पास ही रहना, ठीक है? नहीं तो कोई लेके चला जाएगा आपको। कौन? कोई चोर वोर, अगर आप मम्मा को छोड़ के चले जाओगे। चोर कौन होता है? इसको पकड़। चोर होता है जो बच्चों को चोरी करके ले जाते हैं, फिर उनको खूब मारते हैं, पीटते हैं, खाना भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, वो होते हैं चोर। अगर वो चॉकलेट भी देगा ना तो, या फिर वो अपनी गाड़ी दिखाएगा, गाड़ी ट्रॉली ट्रैक्टर। एक और कोट क्यों ना रही हो? ये वेस्ट कोट है, ये ओवर कोट है, ये तो स्कार्क्रो जैसा कोट लग रहा है। किसके जैसा? स्कार्क्रो। स्कार्क्रो हाँ। वो क्या होता है? जो जो पंछी को डराकर भागता है। चलो
और ये मैंने कर दिया बुगली बुगली खुश बुगली बुगली खुश परप 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 बुगली बुगली खुश। है हमारे हैंडसम मम्मी। और बस अब यहाँ पे बारी आती है मेरे तैयार होने की, तो आज मैं फटाफट तैयार हो रही थी क्योंकि हमें बहुत जल्दी जाना था और वापस भी आना था, बिकॉज यशवंत नहीं थे हमारे साथ, तो उन्होंने बोला था कि टाइम पे चले जाना और टाइम पर आना। और फाइनली बस ये था मेरा फाइनल लुक, इतना ही मेकअप मैंने किया था और हम लोग रेडी थे जाने के लिए। सबसे बड़े पेटू हमारे घर के उत्कर्ष से की, जिसको एक भी आउटलेट नहीं छोड़ना। और हमारे देसी भाई साहब सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज, नथिंग एल्स। तेरी मोमेंट रिकॉर्ड कर ली।